नगर पालिका क्षेत्र के दामखेड़ा रोड पर पीएम आवास योजना के तहत बसाए गए रहवासी इन दिनों दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त का प्रकोप झेल रहे हैं। हालत यह है कि लगभग हर घर में पीड़ित है। पिछले एक पखवाड़े से रोजाना बढ़ रही मरीजों की संख्या के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में स्वास्थ्य अमले के साथ ही सफाई अमले की तैयारी की गई। पीने के लिए टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। रहवासियों के मुताबिक उल्टी दस्त से पीड़ित 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य अमले ने इससे इनकार कर दिया है। रहवासी संजू बावने ने बताया कि उनके 5 साल के बेटे सहित बस्ती के 4 अन्य लोगों की मौत हो चुकी। पिछले एक पखवाड़े से रहवासी बीमार हो रहे हैं। मनीष मंसारे ने बताया कि रहवासी करीब 1 सप्ताह तक निजी क्लिनिक पर उपचार करा रहे थे, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ और मौत होने पर सरकारी अस्पताल गए, जहां चिकित्सकों ने दूषित पानी पीने से बीमार होने की बात कही। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन जागा और बस्ती में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही नगर पालिका का सफाई अमला पहुंचा। फिलहाल लोगों की सेहत में सुधार। चिकित्सक आशाराम खरते ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से जिला अस्पताल में बस्ती के लोग उल्टी दस्त की शिकायत लेकर पहुंच रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद यहां अमला तैनात है। बस्ती में साफ सफाई के साथ ही पेयजल समस्या है। सीएमएचओ एमएस सिसोदिया ने बताया कि दामखेड़ा रोड आवासों में उल्टी दस्त फैलने की शिकायत पर आरआरटी टीम तैयार की गई है, जो लोगों को उपचार देने के साथ ही घर घर संपर्क भी कर रही है। बस्ती में साफ सफाई के साथ ही पेयजल के लिए इस्तेमाल हो रही बोरिंग और समीप दूषित पानी जमा होने की समस्या है। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट। मच्छर बारीक वाले ये वगैरह ये सब मच्छर काट रहे। पानी की समस्या अलग है। पानी सवेरे देखो तो पिवाता नहीं है, गंदा आ रहा है, पूरा गंदा पानी। बीमार भी पड़ रहे, बीमार भी पड़ रहे। 5 तो मौत हो गई है। अब क्या बताना है? आज भी एक बालक की मौत हुई। क्या मालूम अभी ये बच्चे की? हाँ ये अभी वही तो 5 मिला के हुए, वही 5 मिला के हुए। ये क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संतोष। ये बहुत खुशबू आ रही है, इतनी सारा घुट गया ये घर के और सारे खिड़की में से गंध आ रही है हमको घर में। कैसे रहे हम सब बीमार हो रहे। कितने लोग बीमार हो गए अभी? दो तीन चक्कर में बीमार हो गए। बच्चे हुए क्या? उल्टी दस्त भी लगे? सभी बीमार हुए। ये गंदगी थे सारे, बारीक मच्छर घर में आते। क्या करे मुक्का, नगर पालिका में कहा कहीं पुकार नहीं होती। क्या साफ सफाई नहीं होती है? कहीं नहीं होती। कब से रह रहे आप लोग? छह साल हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? चंदा भाई। पूछी थी कि यहाँ पे उल्टी दस्त की शिकायत पहुंची थी, उसके लिए हमारी डिपार्टमेंट ने टीम बनाई हुई है और यहाँ पे उनके इलाज के लिए और उनकी जांचों के लिए भेजा गया है। यहाँ पे आके हम लोगों ने मरीजों को देखा है और ये काम है ना पिछले 2 दिनों से चल रहा है और अभी जो उल्टी दस्त की शिकायत है काफ़ी कम हो चुकी है और अभी हम ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। आ रहे लोग अस्पताल हाँ, यहाँ से शिकायत होने के बाद हमने कुछ मरीजों को जिला अस्पताल भी पहुँचाए हैं, वहाँ भर्ती भी है। स्थिति कैसी है उनकी? अच्छी स्थिति है, सुधार हो चुका है अभी। क्या पानी खराबी के कारण? हाँ, यहाँ पे पानी की शिकायत थी, पानी कुछ कंटामिनेटेड आ रहा था, उस वजह से ये शिकायत हुई थी। कुछ लोगों ने मौत भी बता रहे, मौत वगैरह भी हुई? अभी तक तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे मौत हुई है। डॉक्टर आसाराम खरते। दस्त लगा था रात को 12 बजे लगभग, सुबह 6 बजे तक। हॉस्पिटल वगैरह ले गए? नहीं, हॉस्पिटल ले गए थे दिन में 11 बजे लगभग, तो हॉस्पिटल ले जाते मतलब दमित हो दिया 11-12 बजे। क्या कारण? क्या रहा है कारण? यहाँ का पानी दूषित बता रहे, पानी का बता रहे दोस्त। और भी लोगों को इसी दिखाते हैं? हाँ है। कौन सा क्षेत्र है ये? प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या नाम है तुम्हारा? संजू बामना। कितनी उम्र का था बच्चा? 5 साल का था। क्या उल्टी दस्त? हाँ उल्टी दस्त, अभी उसका कार्यक्रम हो रहा है। कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको ये मकान मिले हैं, यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं है, पानी दूषित के कारण यहाँ पे मौतें हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं
और यहाँ पर साफ सफाई की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए आप कितनी गंदगी है, पानी बहुत दूषित बताया जा रहा है यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा, और बहुत ज्यादा बीमार है। कोई बस्ती वाले लोगों को बसाया है जी? ये बस्ती जो गायत्री मंदिर के मकान तोड़े हैं उनको हमको यहाँ पर मिले हैं, और जिनको मकान नहीं है उनको सरकार ने दिए थे मकान। ये गंदगी के कारण सब बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टरों द्वारा बताया। जिला अस्पताल हम ले गए थे कई बच्चों को, और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है सर। पहले भी बीमार हुए जी? इससे पहले भी हुए थे सब। हम ये 2 महीने से बच्चों को दौड़ा ही रहे अस्पताल ले जाना अस्पताल, तो डॉक्टर ने बोला पानी आपका दूषित है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनीष, पिता हुकुम मंसार है। ये सूचना मिली थी कि वहाँ उल्टी दस्त फैला है, तो तुरंत हमने हमारे RRT टीम और जिले के नोडल अधिकारी को भेज के वहाँ वस्तु स्थिति से पता करवाया, और वहाँ 11 तारीख को जैसे ही सूचना मिली तब से आज दिनांक तक सतत हमारी मेडिकल टीम वहाँ पे जा रही है, और हाउस टू हाउस भी हमारी टीम विजिट कर रहे हैं, और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समझाइश, क्लोरीन की टेबलेट, ब्लीचिंग पाउडर और ORS घोल और जिंक टेबलेट प्रदाय की जा रही है, और अगर ऐसा कुछ मामला हो तो तुरंत शासकीय दवा खाने में उनको इलाज कराने की सलाह भी दी जा रही है। एज सच अभी ऐसे कोई स्थिति नहीं है, पूर्व में ऐसी घटना हुई थी कि उल्टी दस्त के कारण लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो अभी हमारी टीम सतत वहाँ काम कर रही है। कारण क्या है? कारण मैंने भी विजिट करा था और मेरी टीम RRT ने भी अवगत करा है कि वहाँ पे जो साफ सफाई तो अपनी जगह है, और ड्रेनेज और जो है वो खराब स्थिति में है, और जो ट्यूबवेल के पास भी पानी जो एकत्रित हो रहा था जहाँ सप्लाई हो, तो वो थोड़ा सा इशू है वो पानी का, थोड़ी सी ये परेशानी पानी वाली दिक्कत जरूर है वहाँ पे। ठीक है। डॉक्टर MS सिसोदिया।